रेवाड़ी में एक प्राइवेट स्कूल का टीचर ही अपनी शिष्या को भगा कर ले गया। 12वीं में पढ़ने वाली लड़की की उम्र महज 16 साल बताई गई है। छात्रा के पिता ने अध्यापक के खिलाफ नाहर चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी। कोसली के एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा सुबह 7 बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। छात्रा के पिता ने स्कूल में पता किया तो जानकारी मिली कि छात्रा स्कूल पहुंची ही नहीं। उसके बाद छात्रा के पिता को जानकारी मिली कि उसकी बेटी को कोई और नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ाने वाला एक अध्यापक बहला फुसला कर ले गया। आरोपी अध्यापक हिंदी का टीचर है, उसकी उम्र करीब 23 साल बताई गई है। छात्रा के पिता ने नाहर चौकी में आरोपी अध्यापक के खिलाफ शिकायत दी है। नाहर चौकी पुलिस मामला दर्ज करने की उपरांत कार्रवाई में जुट गई है। सर, मेरे लड़के सुबह 7:15 बजे स्कूल से निकले, स्कूल जाने के लिए निकली थी घर से, तो बस में आके स्कूल में चली गई। तो 11 बजे स्कूल इंचार्ज का फोन आया कि आपकी लड़की स्कूल में नहीं है। फिर मैं स्कूल गया तो बाद में पता चला कि एक कोई स्कूल का टीचर है, उसके सब वो बेला फुसला कर उसको ले गया। नाबालिका है। प्लस टू में, तो स्कूल क्या कह रहा है? स्कूल के जो कर्मचारी हैं क्या कहते हैं? स्कूल कर्मचारी कह रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं, बस मैं आई नहीं हूँ, ये बोल रहे हैं। तो आप क्या बता रहे हैं कि आपकी लड़की बस में गई है जी घर से? स्कूल मुखिया और तो जिम्मेवारी नहीं बनती स्कूल प्रशासन की? हाँ, जिम्मेवारी बनती है। कितने साल से आपकी बच्ची स्कूल में पढ़ रही है? सर, ये स्टार्टिंग से ही इसी स्कूल में पढ़ रही है। स्कूल के कर्मचारी का ये जवाब दे रहे हैं जी कि हमें तो नहीं पता कि इनका क्या चक्कर था, क्या चल रहा था, हमें नहीं मालूम। स्कूल टीचर ही है सर जी। स्कूल टीचर का नाम क्या है? ये जी कपिल है, कपिल दखोड़ा। ड्राइवर जो है वो मुनेश कुमार जी, वो बस के संचालक हैं। स्टेशन पे जब वो अपने उस पे स्थान पे गए हैं तो उन्हें वहाँ पे बच्ची मिली ही नहीं सर। उसके बाद में हमने डायरेक्ट स्कूल में आया है, वहाँ पे भी अब्सेंट है रजिस्ट्री के अंदर। उसके बाकायदा जब हमने पता चला, हमारे पास डिटेल आई है ऑफिस के अंदर कि बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं हुआ, तो हमने उसके पेरेंट्स के पास कॉल किए कि सर ऐसे ऐसे आज क्या दिक्कत है बच्चे को, आज बच्चा स्कूल से अब्सेंट है। तो उन्होंने इस बात पे बताया कि जब सुबह मैं आया था तो बच्ची उस टाइम पे तैयार हो रही थी और मैं घर से निकल चुका था। दूसरी बात करें, आपकी जो स्कूल टीचर है उस पर ही आरोप लग रहे हैं साथ जाने की, नाबालिग बच्चे क्या कहेंगे? सर, ये इस बात का मैं पक्ष लेता हूँ, ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है इसकी जो भी है टीचर है, उसको इस चीज का पूरा पूरा मतलब जो है सजा मिलने का प्रावधान है। क्या नाम है उसके साथ? टीचर का नाम कपिल यादव है जी, दखोरा गाँव से जी। कब? सर, 6th-7th मंथ के लगभग उसका टाइम पीरियड हो चुका है। इस बात से सहमत है कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आपको सहयोग मिले, मतलब हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें हम आपके साथ खड़े उतरेंगे जी। जी, मामला एक नहीं, स्कूल की लड़की स्कूल में पढ़ने वाली हो उसी स्कूल के अध्यापक के साथ जाने मालूम हुई है, ये सूचना मिली है। अभी तक कंप्लेंट लिखित में नहीं आई, जैसे लिखित में कंप्लेंट आएगी जो कंप्लेंट कार्रवाई होगी।